नमस्कार दोस्तों, आप भी शेयर मार्केट से पैसा बनाना चाहते हो लेकिन आपने अभी तक शेयर मार्केट की शुरुआत नहीं की, आपको जीरो नॉलेज है, ऐसे में आप इन चार तरीके से शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जिससे आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो सकता है। आइए जानते हैं वो कौन से चार तरीके हैं जिससे आप शेयर मार्केट पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा ग्रो करेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग, जो व्यक्ति शेयर मार्केट में शुरुआत में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं लेकिन आपको नॉलेज नहीं है तो इसके लिए आपको बता दें कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो व्यक्ति करता है उसको मार्जिन भी मिलता है। यदि कोई शेयर आपको 100 रुपये का है तो वो शेयर आपको इंट्राडे पोजीशन में यदि शेयर को बाई करते हैं तो वो शेयर आपको 80 रुपये में ही मिल जाएगा, आपको मार्जिन मिल जाता है। इंट्राडे में आपको मार्जिन इसलिए मिल जाता है क्योंकि इंट्राडे सिर्फ वन डे के लिए होती है, आपको सिर्फ एक दिन में ही सौदा को बेचना है, मतलब कि बाय भी करना है और सेल भी करना है। यदि आपने बाय किया है तो आपको 3:30 तक सेल करना है, यदि सेल किया है तो आपको बाय करना है। इसके लिए आपको टाइम मिलता है 9:50 से लेके 3:30 तक का आपको टाइम मिलता है कि आप इस बीच अपनी जो भी पोजीशन बनाइए तो आप उस पोजीशन को बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। यदि आपने इस समय के बीच में यदि अपनी सौदा को नहीं बेचा, आपने बाय किया तो सेल नहीं किया, सेल किया तो बाय नहीं किया है, तो इस बीच में आपको 3:30 बजे के बाद आपको पेनल्टी भी ब्रोकरेज लगा देता है। लेकिन इंट्राडे में बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है, यदि आपको जब तक शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है आप इंट्राडे से दूरी बना के रखें, क्योंकि अभी तक आपने शेयर मार्केट से एक भी पैसा नहीं बनाया है। जब तक आप शेयर मार्केट से प्रॉफिट नहीं किए इस बीच में आपको इंट्राडे से बचना चाहिए। इंट्राडे काफ़ी रिस्की होता है, आपको इसमें लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकती है। नंबर दो, म्यूचुअल फंड। जो व्यक्ति शेयर मार्केट में पैसा तो लगाना चाहता है तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड में ही पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकता है। आपके पास टाइम की कमी है, आप टाइम नहीं दे पा रहे हो तो ऐसे में आप शेयर मार्केट को, तो ऐसे आप म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके लिए आपको बैंक के थ्रू या कोई भी डीमैट अकाउंट खुलवा के भी म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी स्टॉक या ब्रांड में पैसे को इन्वेस्टमेंट करना होता है, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता। आप किसी जिस स्टॉक में म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करोगे वहाँ की जो भी टीम होगी वो आप सारा कुछ देखते हैं कि आपको किस स्टॉक किस म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है या किस ब्रांड को पैसे को इन्वेस्टमेंट करना, सारा टीम ही देखती है कि आपको कुछ नहीं, सिर्फ आपको एक बार पैसा जमा कर देना आपका पैसा ग्रो होने लगता है। तो आप म्यूचुअल फंड में भी पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये सबसे अच्छा होता है। यदि आपका टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हो। नंबर 3, डायरेक्ट स्टॉक डिलीवरी में भी आप पैसे को लगा सकते हैं। इसके लिए आप जब आपके पास टाइम है यदि आप तो आप सबसे पहले स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना आना चाहिए। यदि खुद सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हो तो किसी भी एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हैं जिससे आपको उस स्टॉक के बारे में अच्छे से नॉलेज हो सके। इसके लिए आपको स्टॉक का फंडामेंटल चार्ट देखना होता है कि चार्ट पैटर्न क्या है, क्या स्टॉक में बेरिश मूवमेंट चल रहा है या फिर बुल मूवमेंट चल रहा है या साइडवेज मूवमेंट चल रहा है। इसके साथ ही आपको स्टॉक का फुल एनालिसिस करना आना चाहिए, आपको फुल एनालिसिस करना स्टॉक का आना चाहिए। इसके साथ ही आपको प्रमोटर होल्डिंग भी देखनी आनी चाहिए और DIs और नीचे कौन से म्यूचुअल फंड ने पैसे को इन्वेस्टमेंट स्टॉक में कर रखा है। आप स्टॉक को किसी भी समय के लिए ले सकते हो, कितने भी समय के लिए ले सकते हो, चाहे आप स्टॉक को 3 महीने के लिए होल्ड कर सकते हो या 6 महीने के लिए या फिर आप 1 ईयर के लिए भी शेयर को होल्ड कर सकते हो। तो आपको जब भी डेवरी में स्टॉक को बाय करना है तो आपके पास थोड़ा सा टाइम होना चाहिए, आप स्टॉक को अच्छे से स्टडी कीजिए, आप स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, प्रमोटर होल्डिंग चार्ट पैटर्न देख के ही स्टॉक को बाय करें। अरे मम्मी, नंबर फोर SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप SIP के थ्रू भी पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आप 100 रुपये
से SIP स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप धीरे धीरे SIP को भी बढ़ा सकते हैं। आप धीरे 100 रुपए स्टार्ट करिए, इसके साथ आप पर मंथ बढ़ा सकते हैं, या फिर आप एक साथ ही आप 1000 रुपया, 2000, 10 रुपए जितना भी आपके पास कैपिटल है आप उस हिसाब से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। ये आप मंथली भी कर सकते हैं या आप सिर्फ वन टाइम के लिए, जैसे आप खट्टा एक समय में ही 10,000, 20,000 या जो भी आप पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ऐसा इस तरह भी कर सकते हैं आप, या पर मंथ के अकॉर्डिंग भी SIP कर सकते हैं। इससे आपका पैसा कई गुना बनने लगता है। इसमें आपको कंपाउंडिंग का फायदा उठाना होता है आपको, जैसे जैसे आपने 3 से 5 साल के लिए SIP कर रखी है तो धीरे धीरे कंपाउंडिंग का आपको फायदा मिलेगा। आपने शेयर मार्केट में पैसा कमाना चाहते हो तो आप इन 4 तरीकों से पैसे को इन्वेस्टमेंट करके शेयर मार्केट से अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। मैं ऐसे ही शेयर मार्केट से जुड़े हुए वीडियो लेके आती रहती। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।